नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीवन साप्ताहिक चर्चा पर। दोस्तों, पिछले हफ्ते दिल्ली बाजार ने 2600 प्रति क्विंटल के आंकड़े को फिर से छू लिया है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे यूं बाजार में दिख रही इस तेजी को और जानेंगे क्या सरकार खुले बाजार में चल रहे टेंडर में अधिकतम बिक्री सीमा को 100 टन से बढ़ाकर 300 टन करेगी। आज की वीडियो इन्हीं सब टॉपिक से भरपूर रहने वाली है, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जहां हमारे एक्सपर्ट्स आगामी दिनों पर अपनी राय देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि गेहूं बाजार से जुड़ी कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गेहूं बाजार की वर्तमान स्थिति मजबूती की ओर इशारा कर रही है, लेकिन बरसात के कारण अधिकांश मंडियों में आवक कमजोर बनी हुई है। पिछले सप्ताह दिल्ली लॉरेंस रोड लाइन में गेहूं की कीमतों में एक अच्छी उछाल देखने को मिली है और कीमतें 65 रुपये प्रति क्विंटल से तेज हुई है। लेकिन वहीं हफ्ते के अंत में साउथ लाइन के मिलों में दाम कुछ कमजोर हुए हैं। पिछले हफ्ते सोमवार को दिल्ली में गेहूं 2535 रुपये प्रति क्विंटल पर खुला और शनिवार शाम तक यह 2590 से 2600 रुपये क्विंटल पर बंद हुआ। बीते सप्ताह के दौरान गेहूं में मांग बनी रहने के कारण 55 से 65 रुपये प्रति क्विंटल की मजबूती दर्ज हुई है। एक और अच्छी बात यह भी है कि पिछले हफ्ते दिल्ली लाइन में कुल आवक 7000 क्विंटल से बढ़ी और कुल आवक 33500 क्विंटल पर रही है। पिछले हफ्ते पंजाब के बाजारों में गेहूँ, आटा, मैदा और सूजी के भाव मजबूत ही दिखे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इस हफ्ते के शुरुआती दिनों में दिल्ली बाजार 2610 से 2620 पे आता है तो 2680 के आंकड़े को जल्द ही टच कर सकता है। और वहीं यदि दिल्ली में गेहूं के भाव 2560 के नीचे आता दिखे तो समझ लीजिए दिल्ली बाजार में कमजोरी आने लगी। आइए अब एक नजर डालते हैं पिछले हफ्ते की कुछ महत्वपूर्ण सरकारी घोषणाओं पे। पिछले हफ्ते सरकार ने गेहूं की कीमतों में नियंत्रण रखने के लिए स्टॉक लिमिट की सीमा जो 3000 टन पर थी उसे घटाकर 2000 टन कर दिया है। इसका डिटेल्ड वीडियो हमने पिछले फ्राइडे को निकाला है, आप वहां पे जाके इसे देख सकते हैं। सरकार की तरफ से खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने गुरुवार को बताया है कि आगामी दिवाली सीजन के दौरान कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए खुले बाजार में गेहूं की अधिक स्टॉक सीमा जारी की जाएगी। वहीं एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि सरकार खुले बाजार में चल रही गेहूं बिक्री के तहत गेहूँ की अधिकतम बिक्री सीमा जो कि 100 टन पर है उसे 300 टन कर सकती है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चलिए अब एक नजर डालते हैं खुले बाजार के तहत चल रही गेहूं बिक्री पे। पिछले बुधवार को हुई FCI के 12वें गेहूं टेंडर में कुल 1.70 लाख टन गेहूं बिका है। FCI ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत अब तक कुल 16 लाख टन गेहूं बेचा है। गेहूं का अगला टेंडर 20 सितंबर को रखा गया है। कृपया हर शुक्रवार को अपने गेहूं स्टॉक की जानकारी सरकार को अवश्य दें। सरकार द्वारा मिलों इत्यादि में छापे मारे जा रहे हैं और स्टॉक लिमिट से अधिक मात्रा पाए जाने पर माल को जब्त किया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे पे सवाल उठता है कि गेहूं बाजार में आई तेजी बनी रहेगी। इसमें एक्सपर्ट का मानना है कि दिल्ली लाइन में जब तक कीमतें 2550 से 2560 के ऊपर पर है तब तक बाजार में मजबूती दिखेगी, लेकिन आगामी त्यौहार और बढ़ते खाद्य पदार्थों के मूल्यों पर सरकार की कड़ी नजर बनी हुई है और सरकार कीमतों को कम करने का हर संभव प्रयास करेगी। तो ऐसे में बढ़ती कीमतों में अपने माल को निकालते रहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी गेहूं बाजार पर साप्ताहिक चर्चा समाप्त होती है। आपकी इस पे क्या राय है आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द लौटेंगे गेहूं बाजार की और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए डाउनलोड करें हमारी फ्री ऑफ बिजनेस मंडी ऐप और याद रखिए, बाजार की ताज़ा खबर मिले सिर्फ ऑफ बिजनेस ऐप पर। धन्यवाद।